नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मसीबिस क्लास। तो वर्कशीट 54 54 11 11 20 20, ठीक है। हिंदी वाक ललतक पुनरावृत्ति, मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब इसकी जो पुनरावृत्ति चल रही है, पुनरावृत्ति मतलब दोहराया जा रहा है। और आप देख लीजिए, तो ललतक मैंने इसमें निशान नहीं लगा रखा क्योंकि जो आप ये वर्कशीट बहुत पहले हो चुकी थी, तो चलिए इस पे भी निशान लगा लेते हैं। ललतक वाक, ठीक है, 95 पृष्ठ नंबर पर है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। बाकी जिन्होंने निशान लगा वो निशान लगा लीजिए, जो जो हम चैप्टर इसमें से पढ़ चुके हैं, क्योंकि हिंदी की तो आप सपोर्ट मटेरियल नहीं होती 9th और 10th के लिए। 11th 12th को दे देते हैं भैया। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कवित्री जीवन परिचय। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललतक दह का जन्म 1320 में लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सीमापुर गांव में हुआ था, ठीक। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललतक को ललेश्वरी, लल्ला, ललेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललतक की काव्य शैली को वाक् कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और अस खान के सेवे प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललतक के वाक्य प्रसिद्ध हैं। अपने वाक्यों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं के ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो, और उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। जैसे नहीं लोग हिंदू मुस्लिम कर रहते हैं, पहनावा पहन लेते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया, जैसे कबीर जात भी कहते हैं, ठीक है, प्रेम को सबसे बड़ा बताया। कैसे पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पंडित पढ़े सो होय, ठीक है। ऐसे तो इनके बारे में है, आगे इनका भी इस हिसाब से आधार रहा है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललतक की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं, भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललतक की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। जिस प्रकार से कबीर दास ने अपने लोकल लैंग्वेज में सरल भाषाओं में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी, उसी प्रकार से इन्होंने अपनी कश्मीरी भाषा में कहा और इनकी शैली को वाक् कहा जाता था। तो चलिए एक बार इनकी पढ़ लेते हैं, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वाक्: रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसर भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहूं घर जाने की चाह है घेरे, ठीक है। जो इसका अर्थ नीचे दिया गया है, साथ साथ पढ़ते रहेंगे और इसको समझाते भी रहेंगे। कवित्री ने इन पंक्तियों में अपने इंतजार और प्रयास का वर्णन किया है कि वह कब उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा। जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर कम होता जाता है, उसी तरह से कवित्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। और सच बताऊं तो हर एक व्यक्ति का जीवन कम होता जा रहा है और वो अपने जीवन के मूल्य के को पहचान ही नहीं पा रहा। सब पैसे कमाने में इकट्ठा हो रहे हैं, इसी वजह से वे व्याकुल होती जा रही हैं कि जीवन तो कम होता जा रहा है कि ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार लगाएंगे, ठीक है। मतलब वो भक्ति में लीन है और ईश्वर की भक्ति कर रही है ताकि भगवान कब आएंगे और उनका बेड़ा पार करेंगे। उनको इस बात की चिंता हो रही है और व्याकुलता है कि उनका जो जीवन है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इस पंक्ति में कवित्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे से खींची जाने वाली नाव के रूप में बताया है। उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही धरती पर रहता है। ये बहुत ही मेरे दिमाग में बात धस चुकी है और सीरियसली आप सबको बातों में ये भी अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। मनुष्य और जानवर में देखिए बस एक ही डिफरेंट है, बच्चे हमारे बच्चे उनके भी होते हैं, हम भी जी रहे हैं, वो भी जी रहे हैं, ठीक है। उनका परिवार है, हमारे परिवार है, ठीक है।
तो अंतर क्या है? हम शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं और जानवर शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकते, ठीक? तो हम शब्दों का उच्चारण करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं, कुछ मंत्र जाप कर सकते हैं जिससे भगवान को प्रसन्नता मिल सकती है और वो खुश होकर हमें अपने पास रख सकते हैं। या कह सकते हैं कि इंसानी जीवन आपको पता हो ना बहुत ही मुश्किल से मिलता है, आप इस तरह से भी समझ लीजिए, और हम बस पैसे कमाने के चक्कर में यहाँ पे लगे पड़े हैं, तो ये जो बिल्कुल गलत है। जो इंसान का चोला मिला है ना, बस ये आपको एक तरह से जैसे एग्जाम में बैठते हैं ना उसी तरह से मिला है। इस संसार में आए हैं, अच्छे कर्म करिए, भला भले इंसान की तरह रहिए, दूसरों की मदद करिए, और ऊपर जाके अपना हिसाब जब होगा ना तब देखा जाएगा। यहाँ लोग लूट रहे हैं, घसीट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अब मर जा रहे हैं, यही टारगेट है जिंदगी का? नहीं, मनुष्य, क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही धरती पर रहता है, कौन कब मर जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। आज हम वर्कशीट बना रहे हैं, कल पता नहीं बनाएंगे नहीं बनाए नहीं पता। तो कर्म अच्छे करते रहिए कि हम कभी भी जब भगवान से ऊपर जाके मिले तो कम से कम ये तो कह सके कि सर हमने तो कुछ अच्छा ही किया था। उसके बाद अपने अपना शरीर त्यागना पड़ता है, बिल्कुल हर एक को शरीर त्यागना पड़ता है, कोई किसी का नहीं है यहाँ पे। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, बहुत ही पता है मेरे दिमाग में इनकी मैं भावनाओं को समझ सकता हूँ, और मैं अपने आप को यहाँ पे भी रख लूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। यह कवित्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे व्यर्थ होते जा रहे, जितने भी हमने प्रभु मिलन के काम कर रहे हैं कि भगवान मिलेंगे मिलेंगे, कोई भी हमारा प्रयास काम नहीं कर रहा, और धीरे धीरे जीवन कम होता जा रहा है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, और अर्थात मृत्यु समीप है, मैं मरने वाली हूं और भगवान अभी तक मुझे मिले नहीं, इनको इतनी तड़प है, और वह शायद वो प्रभु से नहीं मिल पाएंगी, इसलिए इनका हृदय तड़प रहा है, वो प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती है। याद रखना, और सभी मनुष्य का यही टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे मैंने फिर बताया, पेपर देने के लिए आए हम यहाँ पे, एक तरह से इंसान रूपी चोला पहन के यहाँ एक पेपर देने आए हैं, और सभी को वहीं जाना है, इस बात को लोग समझ नहीं रहा है, ठीक है? वो प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती है, और यहाँ पे बिल्कुल इस संसार में नहीं, जहाँ पे लूट खसोट चल रहा हो, बस पैसे के पीछे भागने वाला सीन चल रहा हो, अर्थात उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहती है, ठीक है? उम्मीद है ये चीज आप वर्कशीट पहले भी कर चुके होंगे, ये वर्कशीट आपकी दोबारा आई है, तो चलिए इसके प्रश्नों को उत्तर को दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। कवित्री यह क्यों चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुने? तो प्रश्न पहला, पहला का उत्तर है आपका, कवित्री इसलिए चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुने क्योंकि कवित्री का जीवन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और कब ईश्वर उन्हें संसार रूपी सागर से उनका पार लगाएंगे, इसी से वह उनका व्याकुल है, और सभी को व्याकुलता होनी चाहिए, ठीक है? कौन कल आप रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन हम पैसे के लिए पीछे इतना भाग रहे हैं कि समझ नहीं रहे हैं। इंसान को समझना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और क्या राक्षसीपन फैला हुआ है समाज में, हमने भी बीड़ा उठा रखा है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, दोबारा बता रहा हूं, हमें एक मिशन पर भेजा गया है, वी आर ऑन अ मिशन, हम एक मिशन पर हैं, और बहुत ही जल्द समाज में बहुत बड़े बदलाव देखे जाएंगे, वो आप देख लेना, ठीक है? बस थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी, थोड़ा सा नाम मेरा भी रहेगा, मे भी हो सकता है, नहीं तो मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो समाज को मतलब सुधारने में लगे हुए हैं और तत्परता से लगे हुए हैं, देखते हैं रिजल्ट बहुत ही जल्द आएगा, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। इसी वजह से मैं इस जीवन के मूल्य को बहुत ही गहराई से समझता हूँ, और आप लोगों को भी समझना चाहिए। ये बस आपको मतलब थोड़ा सा जो मिला हुआ है जीवन, चलो हम आगे पढ़ते हैं, नहीं तो कुछ ज्यादा ही ज्ञान मिल जाएगा आपको। रस्सी कच्चे धागे की को क्या कहा गया है? अब सीधी सी बात है, इसमें कुछ भी है, लेकिन रस्सी कच्चे धागे की को जीवन को कहा गया है। जीवन ये कच्चे धागे की रस्सी है और कभी भी टूट सकती है, और हाय धुन पैसे के पीछे भाग रहे हैं, इस कच्चे धागे को संभाल नहीं रहे हैं हम। चलो आगे आते हैं। वाक् किसे कहते हैं? ये काफी अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लल्लदक की काव्य शैली को वाक् कहा जाता है, जैसे मैंने ऊपर में से देख के लिखा ये वाला आपका। कवित्री का हृदय क्यों तड़प रहा है? कवित्री प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती है। कवित्री नहीं, सच में मैं भी यहाँ से बहुत ही जल्द जाना चाहता हूँ। अरे आत्महत्या वाला सीन मत समझ लेना यार,
ठीक है, वो वाला सीन नहीं है यार, नहीं तो कैसे जाएगा चामर ले पहुंच रहे पहली फुर्सत में, ऐसी बात नहीं है। मतलब अपने आप के ईश्वर लेने आए, लोगों को काल लेने आता है, ठीक है, राक्षस लेने आते हैं, यमदूत लेने आते हैं ले जाने, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैं चाहता हूं ईश्वर आए मुझे लेने के लिए। उस पल का बेसब्री से इंतजार है जीवन, देखते हैं आगे क्या होता है। कवित्री प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती है, यार जाना तो मैं भी चाहता हूँ, यहाँ रहना ही कौन सा, सब यहाँ पे किराए का है, सब किराए का है। लोग को कहते हैं मेरा है मेरा, कोई किसी का कुछ नहीं है यहाँ पे, आज मेरा कल उसका परसों किसी और का है, और जहाँ जाना है वहां जाने की हम चाह ही नहीं रख रहे हैं। मूर्ख तो है भैया, पर धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है। दूसरी टेंशन की बात यही है, समय धीरे धीरे निकल रहा है अर्थात मृत्यु समीप है, और सब शायद वो प्रभु से नहीं मिल पाएगी या मैं नहीं मिल पाऊंगा, इस बात की मुझे भी टेंशन हो रही है, इसलिए उनका हृदय तड़प रहा है। तड़प तो मेरा भी रहा है, बस मैं दिखा नहीं सकता। चलिए, कवित्री ने किस रास्ते पर चलने पर जोर दिया है, प्रश्न नंबर 5। कवित्री ने अपने वाक्यों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति रास्ते पर चलने पर जोर दिया है, और मैं भी आप सभी बच्चों को कहता हूँ आप लोगों को भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए। जितने भी चोरी लूट मार घसीट हो रही है ना, सब बंद हो जाएगा, क्योंकि आप जब भक्ति मार्ग में जाएंगे आपको प्रभु से प्रेम हो जाए। तो देखो, ये नहीं होता भक्ति मार्ग में जा रहे हैं तो सब कुछ हम साइड रखते हैं, ऐसा नहीं होता। मतलब कि जाने मतलब आप सच बोलना, ठीक है, मतलब किसी को दुख ना देना, ठीक है, एक दूसरे की मदद करना, किसी से जलन ना रखना, ये भी तो एक प्रकार की भक्ति के अंदर आता है आपका, ठीक है। तो बचपन में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन बड़े हो गए वो धीरे धीरे गलत होने लगती हैं, समझ में नहीं आता, ठीक है। तो चलिए, ये तो थोड़ा मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें चला गया, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं लगा, लेकिन जो मेरे मन में था वो मैंने बोल दिया। तो माय से बेसिक क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।